गाइस, मम्मी के दामाद और अपने हस्बैंड को लेके मैं आ चुकी हूँ मॉल। ठीक है, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने आपको पता है कि हमारे घर के पीछे है डीमार्ट और यहाँ पे मेरे मायके में हमारे घर के पीछे है मॉल, तो हम मॉल ही आ गए। मुझे लगा कि चलो चप्पल पहनी और ऐसे उठ के आ गए। और आपको देखो हमारी कंडीशन, आप देखो तो हम ऐसे ही आ चुके हैं क्योंकि अभी ना, और यार देखो क्योंकि अभी ना प्लान हो रहा है नैनीताल जाने का, दूसरा प्लान हो रहा है गांव जाने का। तो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो मुझे लगा कि थोड़े बहुत डिस्काउंट में क्लोथ मिलते हैं यहाँ पे तो ले लेते हैं, बच्चों के लिए अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं डिस्काउंट में। वैसे फिक्स प्राइस में तो अश्मित जी दिलवाएंगे नहीं, मैं ना दिलवाऊं, मैं कपड़े किस लिए होंगे। तो पहले हम मॉल आ गए हैं कि मॉल में अच्छा मिल जाएगा तो मॉल से ले लेंगे। एंड हमारा सबसे अच्छा मार्केट है पीट बाज़ार, तो हम लेंगे पीट बाज़ार से। फिर यहाँ से अगर नहीं मिलेगा तो चलो हम निकलते हैं 10 मिनट में बस। अश्मित जी को पता विशु क्या कह रहे हैं, पापा हाँ आप ऑफिस के कपड़ों में ही हरिद्वार आ गए, नानी के घर आ गए, नानी देखो पापा के ऑफिस के कपड़े। तो चलो यार कर लेते हैं शॉपिंग, बहुत बेइज्जती हो गई अश्मित जी की। हमने एंट्री करी है यहाँ पे, 2 के साथ 1 फ्री। वाओ गाइस, 2 के साथ 1 फ्री। अश्मित जी दिलान दक्षण प्राइस दिख दक्षण पहले। चलो पहले प्राइस देखते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं कि लेना है कि नहीं लेना। तो ये 699 का एक है, पता नहीं। सो अश्मित जी को एक शूज, मतलब ये सैंडल पसंद आए हैरी के लिए। वाओ ये छोटा साइज है मेरे को ऐसा लग रहा है। ओनली 699। अरे बड़े महंगे हैं 699 के ये। सही है, ये फैला फैला के इतना इकट्ठा कर दिया, उसके बाद में एक मैंने निकाल की थी, इनको वही पसंद आया बस, बाकी तो तुमको दिखता ही नहीं है कुछ। इसके साथ ना मुझे ना एक ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, बट इसका प्राइस जो है ना आप देखोगे 599 है। और ये ना मुझे फिर किसी स्कूल का ड्रेस लग रहा है। एंड ये वाला जो है ना ये भी 599 का है, तो इसमें 50% ऑफ है, तो चलो ले लेते हैं। मैंने ब्लैक के साथ ब्लैक ही ले लिया यार, क्या हूँ मैं। मेरे पास आपका कार्ड है, ठीक है अभी मारते हैं शॉप। तो गाइस एक कलर ये है, एक कलर ये है, एंड ये वाला है, ये वाला है, और इसका एक कलर ये भी है, और ये भी तो है ना इसमें जी राइट वाले। तो इसमें जी भी देखने लगे कि कौन सा लेना है, ऑफिस के लिए ले रहे हैं ये ना। पसंद मेरी है पर। तो गाइस मैंने कहा एक भैया के लिए ले लो, आपके लिए तो ले ही लिया, तो अश्विन जी कह रहे हैं ये वाला ले लो। तो मैंने कहा भैया के लिए जो मैं डीमार्ट से टी शर्ट लेके आई हूँ ना वो भी इसी कलर की आई है, भैया के लिए यही कलर फेमस हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ भैया के ऊपर ना यही कलर अच्छा लगेगा जो अश्विन जी ने लिया है। अश्विन जी कह रहे हैं ये वाला कलर मैंने ले लिया है, आप भैया के लिए दूसरा कलर लो। तो कौन सा लूँ भाई, ये खजाना सा क्या है ये, उसमें डालने का होगा ना वो हमारे, वो जो हमारा वो है ना जो मुझे लेना है ना, उधर से घुमा घुमा के ना मुझे ऐसे घुमा घुमा के ला रहे हैं। और यहाँ पे अब हम लेने लगे हैं हैरी के लिए डायपर लेके इसमें ये पीठ में कैसे घूमेंगे है जी। विशु के स्कूल के टिफ़िन के लिए ना हमारी खोज जारी है, और जिस दिन हमें विशु का स्कूल का स्टील का टिफ़िन मिल जाएगा ना उस दिन हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको कहाँ से लेना है। ये हैं बट ये इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो गाइस एक मूवी आपने देखी होगी जिसमें वो बताता है कि प्रोडक्ट किस तरीके से बिकता है, तो कुछ चीज़ें बिलिंग के पास भी होती हैं जिससे कि आपका मन लल जाएगा और आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को उठा लोगे। तो हम इसके अलावा और कुछ नहीं उठाएंगे। तो चलो ये देखो बिलिंग के पास इतनी सारी चॉकलेट रखी हुई हैं बच्चों का मन ललचाने के लिए। सो गाइस अभी ना वीडियो बनाने के फोन आपके पास ही है ना। हाँ मेरे पास ही है।
सो ना मॉल जो है ना बहुत खाली खाली सा है क्योंकि इसमें काम भी चल रहा है, और दूसरा क्या है ना, जो स्पेंसर है ना उसको ना वैल्यू मार्ट बना दिया है। स्पेंसर ही है पर उसका जो मेन नाम है वो वैल्यू मार्ट पे कन्वर्ट। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, मतलब ऐसा फील आ रहा था पूरा लेआउट उन्होंने डीमार्ट वाला कर दिया। हाँ स्पेंसर में आके ऐसा लग रहा था कि जैसे डीमार्ट में हम लोग आ गए हैं, क्योंकि क्लोथिंग का भी पर ऑफर वैसे नहीं है। ऑफर हाँ ऑफर वैसे नहीं है, ऑफर में थोड़ा बहुत है चेंज, बाकी सब ठीक है। अभी हम चलते हैं पीक बाजार सेक्टर 1। यार कैसे कैसे लोग हैं यार, पैसे बचाने के चक्कर में मंदिर चले जाते हैं, पानी पीने लग जाते हैं वहीं का। तो भाई ये था बहाना पानी पीने का, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था। अश्विन जी तो पता नहीं, अश्विन जी कहते भगवान जी अभी बुला रहे थे, भगवान जी अभी बुला रहे थे, भगवान जी उधारी कब बुलाएंगे और तब हम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। तो मैं शिवाली कह रहा हूँ मंदिर के दर्शन कर लिए। आज क्या हुआ था ना, आज क्या कल क्या हुआ था वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। एक तो मेरे फ़ोन का बैटरी डाउन हो गया था, ठीक है, जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। मैं सोच के तो यही गई थी कि आपको पीक बाज़ार पूरा दिखाऊंगी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। दूसरा आपको पता ही है अश्विन जी बिल्कुल भी ना तो अपना फ़ोन देते हैं एंड ना ही कुछ शूट करते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है। तो हमने बहुत मतलब इतना इंजॉय करा ना, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। हमने मोमोज खाया हॉट हॉट, ठीक है, समोसा खाया गरम गरम, मतलब तलता हुआ एकदम मेरे हाथ में आया और फूंक मार मार के आप खाते हो ना, बड़ा ही मज़ा आ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमने गर्मा गर्म चाउमीन खाया, मतलब एक ही जगह हम बैठ गए और गर्म गर्म चीज़ें बन रही थी और हम लेते जा रहे थे और खाते जा रहे थे। एंड उसके बाद गर्मा गर्म जलेबी खाया, नमकीन खाया, गोला इंजॉय करा। एंड उसके बाद हमने दो चार फ्रूट्स लिए, दो चार सब्जी ली, बच्चों के लिए टॉयज़ लिए। एंड उसके बाद हम वापस घर पे आ गए। मम्मी आप बाहर खड़े हुए, मेरी मम्मी देखो कितनी समझदार है, मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो अंदर अंदर भी नहीं आ रही हैं। लाओ, एंड अभी ना मेरी मम्मा मेरे लिए बना के लाई है चाय। तो भाई मायके में आके जितना आराम आपको मिलता है ना, इतना आराम तो आपको स्वर्ग जाके भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों के लिए ना मैं टॉयज़ भी ले आई थी, एक कृष्णा के लिए एंड एक विशु के लिए, और हैरी के लिए हम लेके आए थे छोटू सा पर्स जिसमें वो कुछ अपना खा पी के खाने पीने का सामान रखेंगे। एंड अश्विन जी आ गए थे, उनको मैं लेने गई थी, वो शॉट आपने देख लिया होगा। हम जाने वाले हैं नैनीताल क्योंकि भैया नहीं आ रहे हैं, अगर भैया आ जाते तो हम गांव जाते, ठीक है, गांव का टूर होता। तो अश्विन जी आए हैं इतनी दूर से, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई नैनीताल घूमाते हैं, क्योंकि नैनीताल हम लोग गए भी नहीं हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद जो आपको व्लॉग मिलेगा वो हमारे ट्रैवल का मिलेगा, जिसमें हम नैनीताल पहुँचेंगे। एंड आज का जो सरप्राइजिंग डे है वो ये है, भाई आज 9:30 बज चुके हैं और मेरे पति अभी तक उठे नहीं हैं। मैं फ्रेश हो गई हूँ, मुँह हाथ धो के नहाऊँगी मैं बाद में,
क्योंकि जब जाएंगे ठीक है। और मेरे पति अभी उठे नहीं हैं और देखते हैं जाके क्या हाल चाल है उनका, क्योंकि थक के आए हैं। मैं भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अश्मित जी इतना लेट उठे हैं, वो हमेशा 6 बजे उठ जाते हैं, 6 क्या उससे भी जल्दी उठ जाते हैं। तो देख लेते हैं उनको क्या हुआ है। हम लोग आज ना भाभी के रूम में सोए थे और इस रूम में भाई जो नींद आई ना खतरनाक वाली, इतनी तो बड़े रूम में भी नहीं आती। तो आज अश्मित जी को देखते हैं। मम्मी मेरी चाय का ध्यान रखना, एक मिनट, मैंने चाय यहाँ पे रख दी, मम्मी की भी चाय है मेरी भी है। तो अश्मित जी को देखते हैं क्या हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हो गया, 9:30 बज चुके हैं मेरे बच्चा को, 9:30 बज गए हैं। देख रील बना लेती हूँ। सो गाइस, अब मैं एक अच्छी पत्नी की तरह अश्मित जी के लिए नाश्ता बनाते हैं, उनको उठाते हैं, चाय पीते हैं। और ये देखो हमारा बच्चा कितना प्यार, देख लो, पुच्ची कर दो पापा को, है री पुच्ची कर दो, तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय। एंड इसके बाद वाला व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना।